केरला के तिरुवंतपुरम में स्थित है भगवान विष्णु का एक रहस्यमय मंदिर पद्मनाभा स्वामी। कहा जाता है इस मंदिर में अलौकिक शक्तियां हैं। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 18वीं शताब्दी में करवाया था, लेकिन कहते हैं मंदिर का इतिहास इससे भी पुराना है। कई इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर में स्थापित मूर्ति कई सौ साल पुरानी है। साथ ही बताते हैं कि मूर्ति दूसरी शताब्दी में लिखित शिल्पादि कर्म से संबंधित है। पर यहाँ प्रचलित कहानी बताती है कि आज से कई वर्षों पहले यहाँ बहुत महान संत विल्वा मंगलम स्वामीकार हुआ करते थे। ये संत हर रोज शालिग्राम पत्थर की पूजा किया करते थे और भगवान विष्णु के विराट दर्शन के लिए आँख बंद करके ध्यान लगाया करते थे। कहते हैं प्रत्येक दिन ध्यान लगाते समय एक छोटा बच्चा इन्हें परेशान करता था। एक दिन गुस्से में आकर संत ने उस बच्चे को पकड़ लिया और अपनी आँखें बंद रखी। कहते हैं कि उन्हें उस बच्चे ने बताया कि वह स्वयं भगवान विष्णु का रूप है और अगर वो उनके विराट रूप का दर्शन करना चाहते हैं तो अपनी आँखें बंद करके उनके साथ आए। अब बच्चा आनंद काडू जंगल की ओर चलने को बोलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। संत ने इससे पहले ऐसे किसी भी जंगल का नाम नहीं सुना था, पर बच्चे के आभूषणों की खनक की आवाज़ से ये बच्चे के पीछे चलने लगे। थोड़ी देर में आभूषणों की आवाज़ आना बंद हो गई और संत भी वहीं खड़े हो जाते हैं। वो आँखें खोल कर देखते हैं तो वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है। तभी उनकी नज़र एक रोते हुए बच्चे पर पड़ती है, जिसे उसकी माँ ये कहकर डांट रही थी कि आगे से अगर वो अनंत काडू जंगल पर गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संत समझ जाते हैं कि उस महिला को उस जंगल का रास्ता पता है और उस महिला से जंगल का रास्ता पूछकर वो उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो एक महुआ के वृक्ष के नीचे खड़े होकर सोचने लगते हैं। तभी संत देखते हैं कि बड़ा सा महुआ का वृक्ष अचानक धरती पर गिर जाता है और सामने अनंत नागों के बीच लेटे हुए भगवान विष्णु के उन्हें दर्शन होते हैं। कहते हैं जब दर्शन की खबर त्रावणकोर के महाराजा तक पहुंची तो वहां पर एक भव्य मंदिर बनाने का इन्होंने आदेश दिया। कहते हैं मंदिर में स्थित मूर्ति का अंदरूनी भाग उसी गिरे हुए महुआ के पेड़ से बनाया गया था। मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की एक विशाल मूर्ति बनवाई गई। ये मूर्ति तीन दरवाजों के खुलने के बाद ही पूरी दिखाई पड़ती है। मूर्ति के नीचे का आसन लकड़ी का है, जिनमें बहुत सारे शालिग्राम पत्थर जड़े हुए हैं। कहा जाता है इन पत्थरों को राजा मार्तंड ने नेपाल की गंडकी नदी से मंगवाया था। ये पत्थर 12,800 की संख्या में यहाँ लाए गए थे। पद्मनाभा स्वामी मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ सबसे रहस्यमय 7 तहखानों का भी पता चला है, जिन्हें बहुत दिनों तक बंद रखा गया था, पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन्हें जब खोला गया तो इन 7 तहखानों में से 6 तहखानों के दरवाजा ही खोला जा सका, जिनमें से लगभग 1,00,000 करोड़ की संपत्ति पाई गई है। लेकिन एक आखिरी दरवाजा आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। इस दरवाजे को आज भी खोला नहीं जा सका है। कहते हैं इस दरवाजे को जब भी खोलने की कोशिश की गई है अक्सर कोई अनहोनी घटना घटित हुई है। इस आखिरी तहखाने के दरवाजे पर सांप की 2 आकृतियां बनी हुई हैं। कहा जाता है इस दरवाजे को नागबंधम नागपाशम जैसे मंत्रों के साथ बांधा गया है। पर इन सब धार्मिक मान्यताओं के नजरिए को यदि एक तरफ रखकर दरवाजे के ना खुलने के रहस्य को समझा जाए तो सर्वेक्षण करने वाली कुछ समितियों को ऐसा लगता है कि 7वें दरवाजे का निर्माण बाकी के 6 दरवाजों की सुरक्षा के लिए किया गया था। जब उन्होंने लोहे के नाग वाले दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की तब उन्हें दरवाजे के दूसरी तरफ पानी की आवाज़ आई, जिसके चलते उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि इस दरवाजे को खोला गया तो वहाँ से पानी का रिसाव तेजी से शुरू हो जाएगा और कुछ ही मिनटों में पूरे गर्भगृह में पानी भरने लगेगा, जिससे मंदिर जमीन में धस सकता है और कुछ ही पलों में पूरा मंदिर टूटकर तहस नहस हो सकता है। मंदिर के इतिहासकारों ने बताया कि इस तरह की सुरक्षा दरवाजों का निर्माण इसलिए किया गया होगा ताकि यदि कोई बाहरी व्यक्ति मंदिर पर आक्रमण करके खजाने को हासिल करना चाहे तो इस दरवाजे को खोलकर मंदिर को ध्वस्त किया जा सके और मंदिर का अनमोल खजाना किसी के भी हाथ ना लगे। कुछ लोगों का मानना है कि 7वां दरवाजा आपको भगवान विष्णु तक ले जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि दरवाजे के पीछे एक रहस्यमय नाग है जो भगवान विष्णु का सेवक है, जिसे अंतनाग के नाम से पुकारा जाता है। पर ये सभी लोगों की मान्यताएं हैं, पर कोई पुख्ता तौर पर नहीं जानता कि असल में दरवाजे के पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। ये आज भी एक रहस्यमय घटना के रूप में यहीं पर दफन है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।